गरु बोल रही है कि हम लोग स्टार्ट तो करेंगे अपनी जर्नी को, पर पहले मोमोज खिला दो मुझे, ताकत भूख लग गई है, ताकत भी तो होनी चाहिए ट्राई करने के लिए। तो गाइज हमने वाटरफॉल के नज़ारे ले लिए हैं, गरु बार बार खिसक रही है, इस शॉट के हमने 3-4 बार टेक ले लिया, ये मैडम बार बार खिसक रही है। तो गाइज हमने खा लिया थुक्का और मोमोज, कतई बेकार थे, तिब्बत किचन में मत जाना। ये हमारे होटल रूम से व्यू आता है धर्मशाला का, यहाँ पे ये नीचे जो है ये पार्किंग है भागसुनाग की, बहुत ही पास है, मतलब सबसे नियर बाई जो होटल है वो ये हमको मिल गया यहाँ पे, बहुत अच्छा। और यहाँ से हमने जाना है आगे को तो भागसुनाग टेम्पल और वाटरफॉल आएगा। अभी जैसे ही गरु रेडी हो जाएगी हम निकलेंगे भागसुनाग टेम्पल और वाटरफॉल के लिए। जब रात को हम आएंगे ना वापस तो आपको मैं यहाँ से नाइट व्यू दिखाऊंगा, नाइट में बहुत अच्छी लाइट्स वगैरह चमकने वाली है ऐसा मेरे इमेजिनेशन में आ रहा है। गरु इज़ फाइनली रेडी अपनी पिंक ड्रेस के साथ में, पिंक पिंक स्पोर्ट्स शूज़, मतलब ट्रैकिंग की रिहर्सल होने वाली है। हमने जाना है कल त्रिउंड ट्रैकिंग के लिए, तो आज भागसुनाग वाटरफॉल की ट्रैकिंग में आप प्रैक्टिस करने वाले हैं कि चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, है ना। हाँ त्रिउंड वेट कर रहा है हमारा, कब आएगा गरुल त्रिउंड ट्रैक करने के लिए। गरु बोल रही है कि हम लोग स्टार्ट तो करेंगे अपनी जर्नी को, पर पहले मोमोज खिला दो मुझे, ताकत भूख लग गई है, ताकत भी तो होनी चाहिए ट्राई करने के लिए। मतलब कोई भी ट्रिप होता है मोमोज इसको चाहिए, इसलिए ऐसी जगह पे घूमने जाना पड़ता है जहाँ पे मोमोज मिलने भी चाहिए हमारे को। और कल का टूर बना रहे हैं हम त्रिउंड का, कैंपिंग का, वहीं पर रहने का रात को, तो उसके लिए भी बात चल रही है, होटल वाले को बोला है हमने भैया करा दो अरेंज, तो अभी चल रही है बात, कल हम त्रिउंड ट्रैक करेंगे, कैंपिंग करेंगे, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है। गरु कॉलेज टाइम में जा चुकी है, तो अभी क्या है कि हमारा टाइमिंग जो है 5:15 पहले ही हो चुकी है और 6 बजे टाइम शो कर रहा है उसमें कि भागसुनाग टेम्पल बंद हो जाता है। भागसुनाग टेम्पल और वाटरफॉल वैसे फेमस क्यों है, क्योंकि ये प्लेस भागसु नाम की है, यहाँ पे टेम्पल है और वाटरफॉल है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत टेम्पल और वाटरफॉल, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, तभी जो है कल वाला ब्लॉग भी आप देख पाएंगे और आगे वाले भी देख पाएंगे। तो गाइज हमने भागसुनाग टेम्पल में मत्था टेक लिया, काफ़ी ज़्यादा रश था तो हमने बाहर से मत्था टेक लिया, अभी निकलते हैं वाटरफॉल के लिए क्योंकि टाइम हो जाएगा काफ़ी, है ना। बहुत ही प्यारा व्यू है, यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे से देखते हैं ये व्यू। अब लो फिर आखिरकार मिल गई गरु को मोमोज वाली प्लेस, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया और साथ ही बैठ गई कि कोई लेट नहीं होना चाहिए, गर्मा गर्म पकड़ा दो मुझे साथ में ही, और एनर्जी आएगी तभी चढ़ पाएगी ये वाटरफॉल तक। अब गरु को मिल चुके हैं उसके फेवरेट मोमोज और खा रही है, अब जाके इसमें एनर्जी आ रही है ना थोड़ी बहुत, अब घूम पाएगी आराम से, अच्छे से खा लो, बहुत ट्रैकिंग कराऊंगा आज मैं आपसे। अभी हमारा हो गया है पेट पूजा और अब हम करेंगे काम दूजा जो कि हमारी ट्रैकिंग है, वाटरफॉल को जाना है। अभी 6 बज गए, 1 घंटा रह गया, 1 घंटे में हमको ट्रैकिंग भी करनी है और वापस भी आना है वहाँ से, क्योंकि टाइमिंग 7 बजे तक ही रहती है ना। तो बहुत ही प्यारा व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइज ये जिप लाइन भागसुनाग, ये यहाँ से करना है, यहाँ से जाके वो जा रहा है देखो, वहाँ पे स्टॉपेज है, ये सही है ना, ये वाला जिप लाइन ठीक है, जो हमने कुफरी में किया था वो भी बढ़िया था, पर ये कि वो तो इतना लंबा नहीं था, छोटा सा था, ये ठीक है, ये लंबा भी है और एरिया भी देखो कितना मस्त है यहाँ पे, ये जिप लाइन है, करनी तो नहीं है आपने फिर से ट्राई।
फ्रिज की बिल्कुल जरूरत नहीं है कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए। ये देखो पानी इतना ठंडा है कि ये नेचुरल तरीका है कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने का। जब तक हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं मैं आपको कुछ बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ की, अगर आप भी बस से आते हैं तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। हमने तो काफ़ी पैसे बचा लिया जाना करू बस से, तो एक तो आपका 247 रुपये लगा हमारा होशियारपुर से 112 किलोमीटर का, तो 2 रुपये के आसपास था पर किलोमीटर के हिसाब से। जब हम धर्मशाला पहुँचे तो वहाँ से हमको मैकलोडगंज भागसुना के लिए टैक्सी लेनी थी, तो टैक्सी के प्राइस था 600 रुपये। तो मैं किसी से सजेस्ट किया कि आप एक काम करो बाहर निकलो शेयरिंग टैक्सी ले लो, तो शेयरिंग टैक्सी ली हमने, वो हमको सिर्फ पड़ी 20 रुपीज़ पर हेड। सोचो 40 रुपीज़ में हम मैकलोडगंज पहुँच गए, 300-400-500 से सीधा 20 में आ गए, और वहाँ से हमने फिर ऑटो कर लिया भागसुना तक जिसके 70 रुपीज़ लगे, मतलब 600 रुपये का हमने 110 में कर लिया। तो आप भी ऐसे पैसे बचा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप टैक्सी बुक ना करें अगर आप बस से आ रहे हैं, कोशिश करें कि जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनको ट्राई करो। ये मैडम त्रिउंड ट्रैक कर चुकी हैं और अभी बोल रही हैं कल जाएंगे क्या सच में त्रिउंड, कोई ज़माना पहले का ना, सिर्फ 2-3 साल पहले की बात है, और अभी बोल रही है कि क्या सच में जाना है त्रिउंड हमने। मैं कहा जरूर जाना है यार, मैंने व्लॉग में बोल दिया त्रिउंड जाएंगे तो जरूर जाएंगे। ठीक है अभी ये छोटा सा प्रैक्टिस तभी तो मैं लाया इसको, आज रिहर्सल हो जाएगी तो कल मेन जो हमारी मूवी है वो बनेगी। जब भी हम कहीं घूमने आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि गुरु मेरी गाइड है, गुरु आगे आगे चलती है हमेशा ही, और बोल रही है आप थक जाते हो, हाँ मुस्कराइए आप हिमाचल में हैं। लो फिर गाइस गुरु ने उतार दिए हैं अपने जूते, रख दिए साइड में हम दोनों ने, और हम जाने वाले हैं वाटरफॉल में। आवाज़ आपको आ गई होगी पानी की, बाकी दर्शन आपको हम करा देते हैं। बहुत ही रश है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये है वाटरफॉल, ये आ गए हम, ये वाटरफॉल। गरु अभी जा रही है आगे फोटो खिंचाएगी। तो गाइस हमने वाटरफॉल के नज़ारे ले लिए हैं, गरु बार बार खिसक रही है, इस शॉट के हमने 3-4 बार टेक ले लिया, ये मैडम बार बार खिसक रही है, बोल रही दोबारा बनाओ। तो अभी हमने वाटरफॉल के नज़ारे ले लिए, पैर पूरे जम जा रहे हैं। कैंपटी वाला पानी ठंडा था गरु, पर ये वाला बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मतलब यहाँ तो एक 10 सेकेंड की रील बनाने के लिए भी 3-4 बार भाग के आना पड़ा हमारे को, तब जाके रील बनी है। अभी हमारा भागसुना टेम्पल हो गया और वाटरफॉल भी हो गया, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस होटल के लिए, चेंज करेंगे और हम जाने वाले हैं मैकलोडगंज के माल रोड पे। सुना है वहाँ बहुत अच्छी पार्टी होती है रात को, तो हम पार्टी के नज़ारे लेने वाले हैं, एंजॉय करेंगे और खाएंगे खूब सारा। सुबह से कुछ नहीं खाया हमने, बस मोमोज ही खाए हैं जस्ट अभी। अभी वाटरफॉल में क्या हुआ कि एक ग्रुप आया हुआ था घूमने के लिए, तो एक लड़की थी उसको सांस ही नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली क्या इसकी 2000 मीटर सी लेवल से ऊपर हाइट है भागसुना की, अभी मैंने चेक किया सर्च मारा जैसे कुछ हुआ इंसिडेंट यहाँ पे, तो जिसको भी मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और ऐसा लगता है कि नहीं आ पाएगी तो प्लीज़ वहाँ मत आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मेडिकल सर्विस वगैरह नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है वो आपकी लक है कि कोई मिल जाए मेडिकल सर्विस वाला, पर वैसे होती नहीं है, तो अवॉइड ही करो यहाँ पे आना। मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कूड़ा करकट जो भी हमारा इकट्ठा होता है प्लास्टिक, वो इनको इस तरह से डेकोरेट करके बना दिया है कि देखने में अच्छा लगता है। एक तरफ यहाँ पे इन्होंने लेज रख दिए हैं, एक तरफ मैगी, एक तरफ बॉटल्स, फिर जो प्लास्टिक हमारे पास है जो दूध के हैं वो कैंस हैं, मतलब सारे अलग अलग कलरफुल जितना भी वेस्ट होता है, कलरफुल वेस्ट का एक इनोवेटिव चेंज। हाँ इसको कलेक्टिवली देखे तो चेंज है, मतलब हमको चेंज करके कुछ पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। तो गाइज हम भागसुनाग वाटरफॉल और टेम्पल दोनों घूम आए थे, ठीक है अब हम लोगों ने गेटअप चेंज कर लिया, पार्टी वेयर में आ चुके हैं, मतलब मैं तो वैसे ही हूँ टी शर्ट में, मैडम ने पार्टी वेयर डाल लिया। अभी हम जा रहे हैं मैकलोडगंज माल रोड पे, ठीक है भैया भी नीचे जो हमारे वो बता रहे थे होटल वाले कि वहाँ पे जाओ वहाँ पे पार्टी वाला माहौल हो गया होगा और बेस्ट चाइनीज़ फूड्स वहीं पे मिलते हैं, तो घर की बोलिए थुपका जरूर ट्राई करेंगे चाइनीज़ फूड्स का। तो अभी हम यहाँ से ऑटो करेंगे, 70 रुपीज़ लेता है कहीं भी जाओ, तो हम वहाँ से ऑटो लेंगे और ऑटो से जाएंगे मैकलोडगंज माल रोड, आपको दिखाते हैं वहाँ की रौनक और शानदार पार्टी टाइम।
पहुंचे थे मैकलो बाजार में, और हमने सबसे पहले सोचा कि ट्रैकिंग कर लेते हैं। अपना कल का प्लान अपना त्रिवेंड का बताया था आपको हमने स्टार्टिंग में, तो अभी हम आ गए थे भैया के पास में, पूरा प्लान हमने डिस्कस कर लिया और लग गया, तो हमने बुकिंग भी करा दिया, भैया शिफ्ट काट रहे हैं। तो कल सवेरे 10 से 11 बजे के बीच में बोला है निकलने के लिए, तो अपना ये वाला काम हो जाएगा अभी, बस फिर इसका हम इन्जॉय करते हैं, बता दिखाते हैं आपको, मार्केट बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये भैया हमारी रिसिप्ट काट रहे हैं और बता रहे हैं कैसे कैसे रहेगा सारा डिटेल में, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। ये उसका पैम्पलेट है पूरा, 999 में आपका पर पर्सन है सारा, इसमें इंक्लूडेड है ये सारी चीज़ें, और बाकी कल मिलेंगे आप। थैंक यू भैया। तो भैया ने बोला कि आपको कॉल आ जाएगी, नंबर भी दे दिया है, तो कॉल आ जाएगी सवेरे 10-11, गरू रेडी रहना। तो अभी भैया ने बोला कि जैकेट्स भी होनी चाहिए कंपलसरी, जैकेट तो हम लाए नहीं है, क्या करना है अब? मैं तो आपको बोल रही थी कि ले लो। कोई नहीं है, कोई नहीं, हम शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, त्रिवेंद्रम ट्रैक से पहले हमें जैकेट्स लेने ही पड़ेंगे, पहले बताना चाहिए था तो हम ले ही आते कुछ ना कुछ। तो गाइज अभी हम आ गए हैं द तिब्बत किचन में, और यहाँ पे स्पेशल आज बाहर बोर्ड लगा था वो था थुक्पा, है ना, थुक्पा बोलते हैं ना, थुक्पा। तो अभी प्रोनाउंसिएशन सीखी जा रही है, पहले पंजाबी स्टाइल में कुछ भी बोल सकते हैं थुक्का। तो अभी थुक्पा ही मंगाने वाले हैं हम यहाँ पे, बहुत ही फेमस है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। बहुत वेट करने के बाद हमारा वेजिटेरियन स्पेशल थुक्का आ गया है, गरु ने स्टार्ट भी कर दिया। गरु बोलती है अच्छा इसको बोलते हैं थुक्का, मैं तो घर में बनाती रहती हूँ ऐसा, है ना। और हमारे स्पेशल मोमोज भी आ गए हैं, गरु बिना मोमोज के तो कोई स्नैक्स लेती ही नहीं है। तो अभी हम इसको एंजॉय करते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी लग रहा है, कर लेते हैं मसालेदार थुक्का। गाइज हमने खा लिया थुक्का और मोमोज, कतई बेकार थे। तिब्बत तिब्बत किचन में मत जाना, पता नहीं सच में ही ऐसा टेस्ट होता है, क्योंकि हमने पहले सोलन में मैंने खा रखा है स्पेशल, ये तो पहली बार खा रही थी, पर सच में मुझे ऐसा लगा कि वो असली टेस्ट था कि ये असली टेस्ट था, समझ नहीं आया। पर टेस्टी वो वाला था, है ना, पर अब कुछ और देखना पड़ेगा, मज़ा नहीं आया खा के, हमने आधा छोड़ ही दिया। अभी हम माल रोड से वापस भगसुना की साइड निकल गए हैं, गरु बोल रही है कुछ खाएंगे नहीं अब, पैक करा लेंगे क्योंकि रात को भूख लगेगी तो हो जाएगा ना, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं कोई अच्छी जगह देखते हैं, कुछ अच्छा सा पैक करा लेते हैं रात के लिए। और भैया ने ऊपर से टेंशन दे दिया, जैकेट या हुडी कुछ लेना पड़ेगा, त्रिवेंद्रम में बोलते हैं बहुत ठंड होने वाली है, तो जैकेट तो चाहिए चाहिए, देखते हैं उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। तो गाइज अभी हम आ गए हैं पंजाबी ढाबे पे, और गरु ने कढ़ाई पनीर और बटर रोटीज बोल दी है, ऑर्डर कर दी है, हम ले जाएंगे साथ में होटल में ही, ताकि रात को भूख लगेगी तो खा सकते हैं, क्योंकि होटल का टाइमिंग और होटल की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है डिनर की, 10 बजे की, उन्होंने कहा भैया 9 बजे तक ही मिलेगा बस। तो अभी हम पैक करा लेंगे तो रात को खा लेंगे, भूख लगेगी तो, है ना, और सुबह त्रिवेंद्रम के लिए रेडी भी होके उठने ना, थोड़ा फ्रेश होंगे तो थोड़ा अच्छे से खाएंगे तभी उठेंगे ना, गेट रेडी फॉर त्रिवेंद्रम ट्रैक। तो गाइज अभी बज गए हैं 10 और हम पहुँच चुके हैं अपने होटल रूम में, वापस गार्गी अब कर रही है रेस्ट। ये बैकग्राउंड में मैं आपको दिखाने वाला था कि नाइट व्यू कैसा लगता है, बहुत ही लाइट्स हैं, पता ही आपको हिल एरिया बहुत अच्छा लगता है जब लाइट्स होती हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, कल हमारा त्रिवेंद्रम ट्रैक है, 10 बजे हमारे गाइड ने बोला है कि रेडी रहना, तो हम उठेंगे सवेरे रेडी होके, 10 बजे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट डे हमारा बहुत ही ऑसम होने वाला है त्रिवेंद्रम ट्रैक, तो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, अभी रेस्ट करते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय।